So it is a potential difference developed at the interface of metal rod and the metal ion. तो मेटल रोड और मेटल आयन के बीच में जो अपने पास चार्ज डिफरेंस है, वो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इंटरफेस बना है जो उसको चार्जेस को सेपरेट कर रहा है, और वहीं पे अपने पास एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई कहा जाएगा, या सेल पोटेंशियल कहा जाएगा अगर रिएक्शन की बात करें। थोड़ा आपको हल्का साइड मिला कि मैंने क्या कहा, ठीक है सर। यस हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सुमित कटारिया है। तो जो इस कंसेप्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक होता है कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल। और अक्सर बच्चों को यहाँ डिफिकल्टी आती है इसको समझने में, इसकी मेजरमेंट में और इसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो ट्राई करें कि थोड़ा सा टाइम के अंदर इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे सकूँ, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले बच्चों कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोल्यूशन के कंटेक्स्ट में, बिकॉज हमें केमिस्ट्री में सोल्यूशंस के अंदर की ही बात करनी होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ, एक सेटअप की बात करता हूँ बच्चों, उसके थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और आपने इसमें बेटा इसमें आपने डाल रखा है जिंक सल्फेट। इसमें डाल के जिंक सल्फेट, तो इसमें आयन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जिंक प्लस टू आयन्स, जो कि जिंक सल्फेट से आपको मिल जाएगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। आपने इसके अंदर बेटा डिप कर दिया इलेक्ट्रोड, दिस मेटल रोड मेड अप ऑफ जिंक, जिंक से बनी हुई बेटा आपने इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप कर दिया, ठीक है। ये एक मेटल की रोड है, इट इज मेटल रोड, दैट इज जिंक मेटल रोड, जिंक, जिंक से बनी रोड को बेटा आपने जिंक सल्फेट के अंदर डिप कर दिया, पहला कंसेप्ट अपने पास। जब ऐसा किया आपने तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों इसके अंदर, जैसे आपने वाला काम किया पहली ऑब्जर्वेशन जो आपके पास आएगी कि यहां से जो मेटल रोड से अपने पास जिंक है वो जिंक जिंक प्लस टू के फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट करके सोल्यूशन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या रहे, ये जो मेटल की रोड है जिंक, ये रोड से जिंक प्लस टू आयन्स सोल्यूशन के अंदर मूव करेंगे और ये रहेगा उसकी रिएक्शन प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस जिंक के जो एटम्स है वो बाहर निकल के जिंक आयन के फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर मूव कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल रोड के ऊपर ही छोड़ देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल रोड के ऊपर ही स्टे करेंगे लाइक दिस। ऐसा क्या होगा सर, ऐसा करने से क्या हो जाएगा अपने पास कि उस मेटल रोड पे नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएगा और सोल्यूशन के अंदर आपको एक्सेस पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, बिकॉज पहले जिंक सल्फेट था, जितने जिंक आयन थे उतने सल्फेट आयन थे, तो सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल इनिशियली। बट जब आपने ये वाला काम स्टार्ट किया तो यहां से जिंक प्लस टू के आयन्स सोल्यूशन के अंदर जाना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से सोल्यूशन विल बी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज्ड, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रोड है अपने पास मेटल रोड दैट विल बी नेगेटिव चार्ज्ड। इनिशियली क्या होगा बच्चा, ये रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगी अपने भाई, यानी कि कुछ जिंक प्लस टू के आयन्स वापस जिंक पे डिपॉजिट भी हो रहे होंगे, लेकिन इनिशियली ये वाली रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी और बैकवर्ड की टेंडेंसी कम रहेगी। कुछ समय के बाद जब काफ़ी सफिशियंट जिंक प्लस टू आयन्स बन चुके होंगे तो फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और जैसे ही रिएक्शन आ जाएगी एट इक्विलिब्रियम तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि सफिशियंट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज की वजह, इलेक्ट्रॉन की वजह से अपने पास ये मेटल रोड नेगेटिव चार्ज की तरह आपको नजर आएगी, एक नेगेटिव रोड की तरह आपको नजर आएगी। तो इस इंटरफेस पे, इसी पे बच्चों हम बात करेंगे कि जो अपने पास इंटरफेस है, ये इंटरफेस यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है और यहाँ पे नेगेटिव रोड है बच्चों, तो इस इंटरफेस पे जो एक पोटेंशियल डेवलप होगा, इस इंटरफेस पे बच्चा जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। So it is a potential difference developed at the interface of metal rod and the metal ion. तो metal rod और metal ion के बीच में जो अपने पास charge difference है, वो negative charge है, positive charge है, तो एक interface बना है जो उसको charges को separate कर रहा है, और वहीं पे अपने पास एक potential difference बन जाएगा। उसी potential difference को इस context में electrode potential या E कहा जाएगा अपने पास, या cell potential कहा जाएगा अगर reaction की बात करेंगे तो। थोड़ा आपको हल्का सा idea मिला कि मैंने क्या कहा, ठीक है सर। अगर आप इसको ऐसे ऑब्जर्व ना करना चाहो तो एक और एग्जांपल से कर सकते हो ऑब्जर्व। यहाँ पे मैंने बात की ऑक्सीडेशन की, आप चाहो तो सिमिलर सेटअप बना सकते हैं, आप चाहो तो बच्चा सिमिलर सेटअप बना सकते हैं और रिडक्शन के थ्रू भी आप इस चीज को, इस इंटरफेस को, इस डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे सर? सपोज मान लीजिए आपने ले लिया इसके अंदर कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये अपने पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो यहां पर अपने पास कॉपर प्लस टू के आयन्स रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस टू के आयन्स के अंदर आपने बेटा डिप कर दिया कॉपर की मेटल रोड, दिस मेटल रोड मेड अप ऑफ कॉपर आपने बेटा इसके अंदर डिप कर दी।
सो दिस मेटल रोड बच्चा इस टाइम पे किसकी बनी हुई है, दिस मेटल रोड इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो कॉपर की मेटल रोड आपने डिप कर दी कॉपर सल्फेट के ही सोल्यूशन में, कॉपर प्लस टू के सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर प्लस टू। ठीक है सर, इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, इसमें भी आप सिमिलर टेंडेंसी ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आप सिमिलर टेंडेंसी ऑब्जर्व करेंगे। जिंक थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जिंक जनरली ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, कॉपर जिंक के मुकाबले लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कॉपर जनरली क्या करेगा, देखो ध्यान से आप इसमें स्टार्टिंग में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पे चूंकि कॉपर प्लस टू के आयंस है तो ये कॉपर प्लस टू के आयंस ये क्या करेंगे बच्चों, ये इस मेटल रोड पे ऊपर डिपॉजिट होने की कोशिश करेंगे और अपने आपको कॉपर के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे। क्या बोला मैंने, ये जो आपने पास कॉपर के आयंस है बच्चों ये उस मेटल रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होने की कोशिश करेंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी अपने पास कि यहां से कॉपर प्लस टू के आयंस हैं जो सोल्यूशन से निकल के इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेंगे, बिकॉज मेटल है तो मेटल इज अ सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां से मेटल्स प्रोवाइड हो जाएंगे तो मेटल्स एक्सेप्ट करते हुए ये कॉपर के फॉर्म में अपने आपको यानी कि उस रोड पे अपने आपको डिपॉजिट करेगा। यानी कि जो आपने टेंडेंसी यहां देखी थी कुछ वही टेंडेंसी यहां पे भी है, यानी कि कॉपर प्लस टू कैंस अपने आपको मेटल के ऊपर कॉपर बना बना के डिपॉजिट कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं अपने पास। तो शुरुआत में रिएक्शन ये वाली ज्यादा होगी फॉरवर्ड वाली, जब बाद में क्या होगा कुछ कॉपर के कुछ कॉपर वापस यहाँ कॉपर प्लस टू बना रहा होगा वो भी हो रही होगी रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड वाली भी हो रही है फॉरवर्ड वाली भी हो रही है, बट फॉरवर्ड रेट ज्यादा है इनिशियली। एक टाइम आएगा जब रेट बराबर हो जाएगा, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम आप देखेंगे आपने यहां क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, चूंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज अपने पास यहां गया है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां गया है तो इस मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक बात है सर, तो मेटल रोड बच्चा पॉजिटिव हो जाएगी और यहां से चूंकि कॉपर प्लस टू बाहर चला गया और सल्फेट आयन एक्सेस में रह गए तो आपको ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन आपको नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज की तरह ऑब्जर्व होगा, नेगेटिव यहां से अपने पास सोल्यूशन के अंदर आयंस आपको एक्सेस में नजर आएंगे, बिकॉज कॉपर प्लस टू सल्फेट पहले बराबर थे, क्योंकि कॉपर प्लस टू ऊपर डिपॉजिट हो गया तो सल्फेट एक्सेस में है कंपेरेटिवली और वो सोल्यूशन को नेगेटिव चार्ज के अंदर धकेल देंगे। तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज होगी बिकॉज कॉपर वहां डिपॉजिट हो गया प्लस टू के फॉर्म में और सोल्यूशन नेगेटिव है, तो अगेन एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो इंटरफेस है इस इंटरफेस पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगेन एट दिस इंटरफेस बच्चा बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन इस इंटरफेस पे अगेन बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, दैट इज एट इक्विलिब्रियम उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर कि आप किसी भी तरीके से इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप इनको कंबाइन करते हैं इन द गैल्वेनिक सेल। जब भी आप गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो आप दो कंपार्टमेंट में इनको कंबाइन करके एक सेल बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट विल रिमेन सेम। पहली चीज आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन। चलिए तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड द मेटल आयन। You can write it down. It is the potential difference between the metal rod and metal ion. तो metal ion और metal rod के बीच जो interface है उस interface में जो कि charge separation है तो potential develop होगा, That is known as electrode potential. जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उतना ज्यादा ही उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। पहला क्वेश्चन तो क्लियर है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस तरीके से आपने शायद पहली बार सुना होगा चीजों को कि हाँ सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात, हाँ ये सब बातें करनी पड़ती हैं, आप वन वे बात बात नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, चीजें सेटअप लेती हैं और एट इक्विलिब्रियम बच्चा हम उस डिफरेंस को नापते हैं। ठीक है, चलिए सिंपली हमने इसको आराम से डिफाइन कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिमाग में घूमता है सर कि इसको मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर मुझे इस जिंक प्लस टू आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है सर एक्सपेरिमेंटली, कैसे मेजर करेंगे सर। तो ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं, मैं इसी डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कि आप लगा लीजिए वोल्टामीटर लगा लीजिए, पोटेंशियोमीटर लगा लीजिए, पोटेंशियोमीटर से आप इजीली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, या वोल्टामीटर लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकाल लेंगे। तो आपने क्या सोचा कि सर बिकॉज ऑफ इंटरफेस एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, बिकॉज एक चार्ज यहां प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज पॉजिटिव चार्ज यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक वायर को कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से कि भाई आपने एक वायर कनेक्ट की लाइक दिस,
और उसका एक पार्ट यहाँ डिसॉल्व कर दिया वायर का, और ये आपने लगा लिया सपोज सम वोल्टामीटर। तो आपने ये सेटअप लगाया पोटेंशियोमीटर या वोल्टामीटर का, और आपने उसका एक टर्मिनल यहाँ लगा दिया ऑन द फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, एंड सेकेंड आपने इसे डिप कर दिया सोल्यूशन के अंदर, पॉजिटिव पॉइंट के अंदर। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आपको सोल्यूशन का पोटेंशियल का, आपको इस जिंक के पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ जिंक, बट ऐसा नहीं है। ये वाला सेटअप काम क्यों नहीं करेगा सर? देखो सेटअप सही है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू भी आएगी आपके पास, लेकिन आप इशू देखिए, अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप मेरी बात से वाकिफ रखेंगे। बच्चों होता क्या, अगर आपने इस वायर को डिप कर दिया तो वायर और इस सोल्यूशन के बीच में अगेन एक इंटरफेस बन जाएगा, एक नया इंटरफेस बनेगा, एक नया चार्ज सेपरेशन पैदा हो जाएगा। वायर आई है, मेटल की वायर है, और नीचे सोल्यूशन है, अगेन वहां पे एक नया इंटरफेस बन जाएगा, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप पैदा हो जाएगा। आपको सिर्फ इस इंटरफेस का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। आप वही तो कह रहे हैं जैसे जिंक और जिंक प्लस टू का आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिंगल इंटरफेस, पर यहां भी आपने कुछ इंटरफेस कन्वर्ट कर दिया और यहां भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास निकल के आ जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगी बच्चा, उसमें कंबाइंड वैल्यू आएगी, उसमें आपकी जो इंटरफेस चाहिए आपको ये वाला, उसकी वैल्यू आएगी, और एक नया इंटरफेस जो बना है बिकॉज ऑफ डिप्ड वायर विद द सोल्यूशन, उसका भी डिफरेंस आ जाएगा सर। तो वैल्यू में गलती हो जाएगी, वैल्यू में एरर हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? आंसर इज नो, वी कांट फाइंड, वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बिल्कुल सही बात है, दोबारा बोलता हूं, इस प्रकार से हम चाहते तो कुछ वैल्यू निकाल लेते, बस वैल्यू में एरर आएगा, बिकॉज आपको समझा दिया मैंने। तो पॉइंट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बिल्कुल सही बात है, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम निकालते हैं रिलेटिव वैल्यू को, हम निकालते हैं बच्चा किसको, रिलेटिव वैल्यू को, यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एनी अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर है? इसलिए आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, दे आर द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बिकॉज एब्सोल्यूट निकालने जाओगे तो आप वैसे निकाल नहीं पाओगे, उसमें एरर आ जाएगा। पहला पॉइंट अपने पास यहाँ से नोट कर लीजिएगा बच्चों कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट इज ऑलवेज रिलेटिव, दैट इज डिटरमाइंड यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आप यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों, आप यहाँ लगा देंगे, आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड सपोज एस एच ई। तो एस एच ई की वजह से बेटा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको आप नेगेट कर देंगे, उसको आप जीरो मान लेंगे, और बाकी आपके पास दूसरे वाले का पोटेंशियल आ जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कि उसका पोटेंशियल आपने फिक्स कर दिया, जीरो कर दिया मान लीजिए, तो जो इंटरफेस बनेगा भी उसकी वजह से उसको आपने वैसे हटा दिया, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस की वजह से आप इसका पोटेंशियल अपने आप निकाल लेंगे। तो वो थ्योरी की बात होगी सर, लेकिन आपको आइडिया मिला इस वीडियो के थ्रू कि वट इज द कोर क्रक्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक उसको कैसे मेजर करते हैं, रिलेटिव मेजर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज अदरवाइज आपके पास इश्यू आ जाएगा। और डेफिनेशन क्या होती है और रिएक्शन क्या होती है आपको मैं समझा दी। एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि क्या एक ही बीकर के अंदर सपोज कॉपर सल्फेट है, उसमें डाल दी मैंने जिंक के इलेक्ट्रोड, अभी तो मैंने क्या किया, कॉपर में कॉपर जिंक में जिंक डाला मैंने, सपोज मैं कॉपर सल्फेट में डालता हूँ जिंक इलेक्ट्रोड, तो क्या वहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा? इसका जवाब दीजिएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप थोड़ा सोच सकते हैं तो। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता हूँ मैं कि आपको एक न्यू टॉपिक के ऊपर लेके जाऊंगा रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।